أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج میں سیکشن 9 سی کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانس ایکٹ 1997 ٹرائل کورٹ سے ملزم کو لائف امپریزنمنٹ یعنی کہ 25 سال سزا اور 1,00,000 रुपया जुर्माना हुआ। जुर्माना ना अदा करने की सूरत में मजीद 6 माह की सिंपल इंप्रिजनमेंट की सजा हुई। मुल्जम ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को ऑनरेबल कोर्ट में चैलेंज किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुल्जम को बाइज्जत बरी किया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड फरमाया। पोजेशन ऑफ नारकोटिक्स, सेफ कस्टडी ऑफ द रिकवर्ड सब्सटेंस एंड इट इज सेफ ट्रांसमिशन फ्रॉम द लोकल पुलिस स्टेशन टू द ऑफिस ऑफ द केमिकल एग्जामिनर नॉट एस्टेब्लिश बाय द प्रोसिक्यूशन इन द केस कंटेनिंग द सेट डिफेक्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन। It cannot be held with any degree of certainty that the prosecution had success in establishing it is a case against accused person beyond the shadow of doubt. अब जो मुल्जम से रिकवरी हुई थी नारकोटिक्स की, उसके सैंपल को जो फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में भेजा गया, तो जो गवाह सैंपल को फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में लेकर गया वो कांस्टेबल था। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट पर कांस्टेबल का नाम मेंशन था, मगर उस कांस्टेबल को ड्यूरिंग ट्रायल प्रोसिक्यूशन ने बतौर गवाह पेश नहीं किया, शक का फायदा देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुल्जम को बाइज्जत बरी कर दिया। केसला है 2022 SCMR पेज 2121 2022 SCMR पेज 2121। उम्मीद है मेरे दोस्तों को मेरी ये कावश जरूर पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम।